नमस्कार, जय हिंद ऑल ऑफ यू। मैं दीपक ठुकरेला ब्रेन एक्सेंस लैब की तरफ से आपका स्वागत करता हूं आज के इस शानदार सेशन के अंदर। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। क्या सीखने को मिलेगा? आज हम सीखने वाले हैं DMIT के अंदर एक पर्टिकुलर फिंगरप्रिंट फैमिली है जिसे कहा जाता है वर्ल फैमिली। तो आज हम वर्ल फैमिली के बारे में चर्चा करेंगे और वर्ल फैमिली कैसे काम करती है और उसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और वर्ल फैमिली अपने आप में यूनिक क्यों है, क्यों मैंने वर्ल फैमिली का टॉपिक चूज़ किया, ये आपको सीखने को मिलेगा, जिससे आपको अपनी काउंसलिंग में या रिपोर्ट समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। वीडियो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। मुझे पता है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक कर ही देंगे, और अच्छी लगे और ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुँचाइए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं वर्ल फैमिली की। तो वर्ल फैमिली के अंदर सबसे पहले ध्यान से समझिए, वर्ल अपने आप में एक यूनिक फिंगर पैटर्न है। इस फैमिली के अंदर तीन तरह से ये फैमिली आगे जाके बढ़ जाती है, ठीक है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक परिवार का मुखिया है, उसके आगे जाके तीन बच्चे होने वाले हैं। एक बन जाता है आपका पर्सनैलिटी टाइप के अंदर, मैं इसको थोड़ा सा रेलेवेंट ले लेता हूँ पर्सनैलिटी टाइप के अंदर, जहाँ पे दो सेंटर होंगे, दो डेल्टा होंगे, दो सेंटर दो डेल्टा वर्ल फैमिली में। इसे पर्सनैलिटी टाइप में आउल पर्सनैलिटी के अंदर कंसीडर किया जाता है। आउल, कंप्लायंट, कंप्लेंस, ये इस पर्सनैलिटी के अंदर काउंट किया जाता है। वर्ल में दूसरा आ जाता है जहां पे एक सेंटर होगा और दो डेल्टा होंगे। तो एक सेंटर और दो डेल्टा हमारे वर्ल फैमिली के अंदर जब हो जाते हैं तो उसे पर्सनैलिटी में ईगल पर्सनैलिटी कहा जाता है। ईगल पर्सनैलिटी, डोमिनेंट पर्सनैलिटी। जब आप डिस्क प्रोफाइल के अंदर कैटेगराइजेशन देखेंगे तो वहां पे ईगल आउल आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो वर्ल में अगर दो सेंटर, एक सेंटर और दो डेल्टा मिलते हैं, या दो सेंटर और दो डेल्टा मिलते हैं, तो वो कहलाएंगे तो वर्ल से, बट उनकी फैमिलीज में एक सिंपल सा एक ऐसे डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। ये समझ सकते हैं कि ये बाप है, ये उनके दो अलग अलग बच्चे हैं और दोनों अपने आप में अलग हैं। दोनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, दोनों के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, डिसक्वालिटीज़ हैं, स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेस हैं, सबकी अपनी अपनी अलग होती है। तो आउल पर्सनैलिटी को समझने के लिए भी हमें वर्ल्ड्स में ही होके गुजरना पड़ेगा, ईगल को समझना है तो भी वर्ल में। अब क्योंकि दोनों निकले एक ही परिवार से हैं, जीन्स DNA दोनों का एक ही है, तो बहुत हद तक चीज़ें आपस में मिलती हुई मिलेंगी। इस वजह से कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, बहुत हद तक कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तीसरा इसके अंदर आ जाता है, ये एक्चुअली होता तो इसका ही सब पार्ट है, ठीक है, होता इसी का सब पार्ट है, ये अलग से नहीं निकलता, होता इसी का सब पार्ट है, लेकिन इसमें क्वालिटीज अलग हो जाती हैं। वो है पीकोकाई। पीकोकाई जब वर्ल के अंदर पीकोकाई पैटर्न आ जाता है तो होता तो वो ईगल का ही पार्ट है, लेकिन उसके अंदर आर्क की क्वालिटीज और ईगल की क्वालिटीज, वर्ल की क्वालिटी दोनों मिल जाती है। इसमें आर्क फैमिली भी मिली हुई है, ओके, आर्क फैमिली। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, इसको वल था, ये वल की ही औलाद, लेकिन इसको आर्क ने गोद ले रखा था, तो इसमें आर्क के कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ गए और ईगल के कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ गए, ये दोनों आपस में एक साथ काम करते हैं। ये इन दोनों से अलग है, आउल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये इन दोनों से अलग होता है। अब जब वर्ल फैमिली को आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर कई बार ऐसा सुनने को मिलता है कि हम एक ही पैटर्न को स्टडी किए जा रहे हैं और सारी बातें एक जैसी मिलती हुई दिखाई देती हैं, ऐसा लगता है कि ये तो पिछले वाली रिपीट हो रही है, फिर वही रिपीट हो रही है, तो रिपीट नहीं होता। आप बेसिक समझिए कि जो बेस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तो वर्ल का है, वर्ल का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है, एक एकड़ ज़मीन है, तो इसकी एक एकड़ है पूरी, है तो वही ज़मीन ना, जगह तो एक ही रहेगी, गाँव एक ही कहलाएगा, शहर एक ही कहलाएगा, लेकिन उसके बाद वो बंटवारा हो गया और बंटने के बाद एक ने वहाँ पे फार्म हाउस बना दिया, एक ने वहाँ पे घर बना दिया, एक ने वहाँ पे कुछ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिया,
तो तीनों ने उसका अलग अलग यूज़ किया। तो इस तरह से जब हम इसको वल को पढ़ने लगेंगे तो अलग अलग पढ़िएगा, आप बिल्कुल ऐसे समझ समझिएगा कि वन फैमिली है, तो एक को अगर मैंने याद कर लिया तो दूसरा बिल्कुल वैसा ही होगा। लूप में बहुत हद तक सिमिलर रहता है, आर के अंदर भी बहुत सारी बातें मैच करती हैं, लेकिन वल के अंदर डिफ्रेंशिएशन हो जाता है कि आउल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें बहुत बदलाव होता है। बेस बेसिक सेम रहेगा लेकिन बहुत हद तक बदलाव रहेगा ईगल के अंदर और पीकोकाई के अंदर। ईगल की जो क्वालिटीज़ हैं वो पीकोकाई में होंगी, लेकिन पीकोकाई में आर्क की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एड ऑन होती हैं, और उनका इलेबोरेशन कैसे करना है, उनको समझाना कैसे है, कैसे लोगों को एक्सप्लेन करना है, वो अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको किस तरह से काउंसलिंग की जाती है, कैसे अच्छे से काउंसलर बना जाता है, अगर आप DMIT कोच बनना चाहते हैं, ट्रेनर बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं, पेरेंट्स की काउंसलिंग करते वक्त किन बातों का ध्यान देना है, ये सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चैनल अच्छा लगे, हमारी वीडियोस, हमारी मेहनत अच्छा लगे तो आप चैनल ज्वाइन करके भी हमें अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। उससे भी आपको बहुत हद तक प्राइवेट वीडियोस देखने को मिलेंगी जो मैं पब्लिक नहीं करता हूं, जो सिर्फ हमारे कुछ व्यूअर्स के लिए या मेंबर्स के लिए अवेलेबल रहती हैं। तो आप हमारा नीचे चैनल ज्वाइन बटन दबा के ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग के लिए, सॉफ्टवेयर परचेज के लिए, आप चाहें तो सिर्फ काउंसलिंग ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, और उसके लिए हमारी टीम डेफिनेटली आपकी मदद करेगी। तो नीचे बिना किसी देर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और हमारी टीम आपको और भी डिटेल्ड में जानकारी ज़रूर देगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए, हम लोगों का सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपक ठोरेला एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं एक बार फिर किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।